आगे बॉस बॉस अरे बॉस भाई वनी फोर कर दिया यहाँ पर, तू जान ले जान ले कर रहा। कोई बात नहीं, बढ़िया खेला भाई ने, अप्रिशिएट करो। लेट के चल के ऐसे लेट के चलो ऐसे लेट के ऐसे अरे लेट के चलो ना भाई भाई हैकर देख के पहचान जाता हूँ मैं, हैकर कौन है कौन नहीं है। अरे बॉस ओपी हो गया तुम बॉस, देखिए वीडियो देखिए वीडियो देखिए डिकन बॉस ओपी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक हो गए जी सबका न्यू वीडियो के अंदर। अच्छा आज की जो ये वाली वीडियो है काफी मजे के होने वाली है और आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं खेल रहा था प्राइम राहुल भाई के साथ और राहुल भाई की जो टीममेट है ना वो मुझे लिटरली जादूगर तक बोलने लगे कि बॉस तुम जादूगर हो, तो काफी मजा आने वाला है, एंड तक देखना। और हाँ, जो बंदे नए चैनल पर यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा। अब चलते वीडियो को शुरू करते हैं। अब राहुल भाई स्ट्रीम पर खेल रहा था, मैंने सोचा इससे मैचिंग कर लूंगा, इसको मार के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं मार तो नहीं पाया क्योंकि मैचिंग नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो यार इसके साथ ही खेल लेता हूँ टीम कोड से। अब मैंने टीम कोड से ज्वाइन कर लिया, अब पहला मैच हमारा इतना सही नहीं गया, लेकिन जैसे हमने दूसरा मैच लगाया इस वाले मैच में तुम्हारे भाई ने जीतरी उठा के जो बंदों को मारा है ना, लिटरली काफी गजब का। अब वैसे तो मैं जीतरी नहीं चलाता, लेकिन मैंने सोचा चलो यार यही मौका है कॉन्टेंट बनाने का, अगर मैं जीतरी नहीं चलाऊंगा तो हैवी मर जाऊंगा क्योंकि सारे के सारे बंदे जादूगर है, तो अगर मैं जीतरी का यूज करूंगा तो भाई मुझे नहीं लगता कोई टच भी कर लेगा, तो इस वजह से मैंने जीतरी का यूज किया। अब हम आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर और सामने की तरफ होते चार बंदे खेलने बुलाएगा, मैं आऊंगा। सही था भाई, ये सही था भाई। मेरे को लगा प्रॉमिस कर रहा है कि भाई अरे बंदे इधर ही, अरे भाई किले किले भाई किले किले मारो 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 बैग गन भी कौन तो मिलना देखना, अबे गन देखने कौन तो मिलता है। एनिमी डाउन एनिमी डाउन, वाह भाई ये भाई वो कर रहा है। अरे जीत्री से मेरे को लगा अपना लगा अपना, पकड़ लो जाने मत दो इनको, जाने मत दो। खत्म टाटा साहब गुड बाय, हो गए अल्लाह, शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे अभी ऊपर इन दोनों को मैं काफी इजीली मार देता हूँ, राहुल भाई थोड़ा बहुत चौक हो जाता है कि भाई ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यार ऐसा ही होगा, जब तुम्हारा भाई जीतरी चलाएगा तो फिर तो ऐसा ही होगा। अब जादूगर भी सामने आए तो वो नहीं टिक पाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि यार जीतरी का डैमेज कुछ ज्यादा ही गजब है। अब स्टेडियम क्लियर करके हम निकल जाते और बंदों को मारने के लिए। अब मैं गाड़ी उठाने गया था और इतने में राहुल भाई पॉइंट ले लेता है और अब देखो, अरे कम से कम ये हैकर तो खत्म हो, हैकर तो खत्म हो। बचा लेना भाया इधर ही बाउंड्री वॉल पे आराम से मारो। राहुल भाई को रिवाइव तो कर देता, लेकिन राहुल भाई ने जो बोला ना वो मेरे से नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो यार इसको छोड़ देता हूँ, मेरा टीममेट है वो रिवाइव कर लेगा। सामने की तरफ मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, मैं उस पे फोकस करता हूँ। मुझे यहाँ पर एक बंदा दिख तो गया था, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ ये बंदा पता नहीं कहीं गायब हो जाता है और इतने ऊपर की साइड से एक जादूगर फायर करता है। अब इसको यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, मेरे पास रेड डॉट था, अगर कोई और स्कोप होता तो शायद मैं उसको नॉक भी कर सकता था, लेकिन रेड डॉट से उतनी दूर दिख भी नहीं रहा था और ऊपर से जीतरी भी, तो अब मैंने सोचा चलो यार अपनी टीम के पास चलते, तो मैं जल्दी जल्दी वापस आता हूँ। अब पीछे की तरफ कुछ और बंदे आए थे जो कि जीतरी चला रहे थे, अब मेरे हाथ में जीतरी था तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल था। मैंने सोचा चलो यार अकेला घुस जाता हूँ और अब देखो, अरे नोवा किंग ये कौन है भाई, ये जीतरी पीछे से कोई चला रहा है, पीछे वाले को अरे यार मेरे पे दावा भी नहीं है। अरे बॉस निकल गया भाई, ये अकेले मारने चला गया मुझे कुछ, बॉस भाई तुम पे कुछ। अभी ऊपर जैसे मैं गाड़ी लेके पुश कर देता हूँ ये बंदे यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते हैं, मैं फायर कर लेता हूँ कि भाई कहाँ जा रहे, वापस आ जाओ, मैं आप लोगों से ही फायर लेने आ चुका हूँ। अब इस बंदों के हाथ में भी जीत रही था, तो इस वजह से ये लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर दोबारा आ जाते हैं और अब देखो इनको तुम्हारे भाई ने क्या ही 1v4 मारा। अब 1v4 करने के बाद जरा मेरे टीममेट का रिएक्शन देखो और राहुल भाई क्या बोल रहे हैं वो भी सुनो। अभी तो हिल मारा था सारे मुश्किल से, अब तो हिल भी ना भाई, पीछे मत जाना भाई, बहुत गंदा मार रहा है ये।
अबे यहाँ पूरे चार बंदे, पूरे चार बंदे। अबे ये क्या मार रहा है? आसमा को जमी कभी दिखती नहीं चादर। अरे बॉस भाई 1v4 कर दिया यहाँ पर, तू जान ले जान ले कर रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया खेला, बढ़िया खेला भाई ने, अप्रिशिएट करो। 1v4 कर दिया तुम्हें, दुख हो रहा है उसने किल नहीं दिया तुम्हें हैं? अब 1v4 करने के बाद राहुल भाई ने अप्रिशिएट तो कर दिया, लेकिन इतने में इसके टीममेट का एसएमएस आता है और ये बंदा बोलता है कि समझ रहे हो ना। अब मुझे नहीं पता ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा था, लेकिन आगे जाके ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। अब वो तो आप लोग आगे जाके देख ही लोगे, लेकिन यहाँ पर ये जो राहुल भाई गाना गा रहा था ना, लिटरली यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह का रिएक्शन था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। निकल गए, लाइक कर दो गाइस, लाइक कर दो। गली में हम ले ले ले, बस गाड़ी ना फोड़ दो। कहां पे? चल चल चल, इधर इधर ही, इधर ही होगा ये घर तो। होगा अभी ऊपर मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को भी नॉक देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो किल मेरे टीममेट को मिल जाता है। अब सामने की तरफ मुझे बंदों का गन साउंड आते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी स्किन निकाल के पुश कर देता हूँ। अब जस्ट यहाँ पर मेरे टीममेट का रिएक्शन देखो कि वो क्या बोल रहा है। नहीं यहाँ से नहीं आता, दूर से आता, नहीं हो सकता यहाँ। भी यहाँ भी बंदा था, राहुल भाई के टीममेट बोलते कि बॉस तुम जादूगर हो क्या, और राहुल भाई ने मेरे को पहचाना नहीं था, तो वो भी बोलते कि बॉस तुम जादूगर हो, तो मैंने बोल दिया कि नहीं यार, वैसे तो मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन हाँ जोनाथन का फैन हूँ, तो कभी कभार मुझे खुद पर शक हो जाता है कि मैं कहीं जादू तो नहीं लगाता। लेकिन इसके बाद राहुल भाई क्या बोलते हैं जरा आप लोग ये देखो। शक हो जाता है वैसे, लेट के चल के ऐसे, लेट के चलो ऐसे, लेट के ऐसे ऐसे। भाई राहुल भाई क्या कर रहे हो? अरे लेट के चलो ना भाई। अभी ऊपर राहुल भाई मेरे को बोलते हैं कि तुम लेट के चल के दिखा दो कि तुम जादूगर नहीं हो, मतलब मेरे टीममेट को तुम पर डाउट हो रहा है। मेरे को नहीं हो रहा, लेकिन मेरे टीममेट को हो रहा है, तो तुम ऐसे करो कि भाई लेट के चल के दिखा दो। मैंने तो साफ मना कर दिया, मैंने बोला नहीं यार मैं ऐसा क्यों करूंगा, मतलब कुछ भी। अब इसके बाद इसका एक टीममेट मुझे बातों से पहचान लेता है, और फिर उसके बाद राहुल भाई भी पहचान ही लेता है। बॉस अपनी हो गया तुम बॉस। कभी कभार शक हो जाता है मुझे खुद, क्योंकि पुलिस भाई ने भी बोला था भाई आप हैक करो, पता नहीं क्यों। अरे बॉस ऑपी हो गया तुम बॉस? हाँ शायद। अच्छा हाँ शायद बॉस ऑपी। देखिए वीडियो, देखिए वीडियो, देखिए है। अभी ऊपर मेरे को राहुल भाई भी पहचान ही लेता है, लेकिन यार मेरे को जब भी गेम में कोई बंदा मिलता है, वो मेरे से ये सवाल जरूर पूछता है कि भाई आप वॉइस चेंजर यूज करते हो क्या, मतलब गेम में आपका आवाज अलग है और जब आप वीडियो बनाते हो वहाँ पर अलग होता है। तो यार ऐसा कोई सीन नहीं है, वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ, मतलब अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूँ, और जब मैं नॉर्मल गेम खेलता हूँ तब उस टाइम मैं नॉर्मल बात करता हूँ, मतलब नॉर्मल स्लो बोलता हूँ, तो इस वजह से वॉइस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन यार वॉइस चेंजर तो मैं नहीं लगाता। मतलब कभी कभार सामने वाले बंदे को ये भी पता नहीं चल रहा कि मैं उसके सामने बोल रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस पता नहीं आप लोगों को कहां से लग रहा है। लेकिन भाई मैं कोई वॉइस चेंजर वगैरह यूज नहीं करता। अब इसके बाद यहाँ पर बच जाता है अकेला बंदा, और जस्ट देखो इसको तुम्हारा भाई कैसे पकड़ता है। और वही इसी के साथ यहाँ पर मैं इस लास्ट वाले बंदे को भी काफी इजीली जीतरी से निपटा देता हूँ। लेकिन पबजी लाइट के सस्ते नशे, मेरे 14 केले और इस बंदे के 6 केले, लेकिन एमवीपी ये आ गया पता नहीं क्यों। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपनी भाई को भी दुआ में जरूर याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़।